सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, कल से ही आप लोग सुन रहे होंगे कि रेलवे एनटीपीसी की जो भर्ती है वो बढ़ गई है या बढ़ने वाली है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जो नोटिफिकेशन था उसमें आपको ये कहा गया था कि जो रेलवे एनटीपीसी की बहाली होने वाली है वो 10,800 प्लस सीटों पर थी, लेकिन मेरे मित्र कल से ये न्यूज़ आ रही है कि एनटीपीसी की बहाली अब 10,800 प्लस सीटों पे ना होकर के 19,599 सीट पर होगी। और मेरे मित्र, सोर्स के रूप में पेपर कटिंग का हवाला दिया जा रहा है, और अगर आप पेपर कटिंग को सही से पढ़ेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि जिस तरह से बातों को लिखा गया है उससे आप ये कयास लगा सकते हैं कि जो एनटीपीसी की बहाली होगी वो अलग अलग होगी। चूंकि आपको मालूम है कि रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल और प्लस टू लेवल दोनों पे आती है, और अकॉर्डिंग टू पेपर कटिंग मेरे मित्र आप ये मान सकते हो कि पेपर के अनुसार जो बहाली है 12 लेवल पे अलग आएगी और ग्रेजुएट लेवल पे अलग आएगी। तो सवाल ये है कि सर इसमें कितना सच्चाई है, ये वैकेंसी बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी, इसमें भी कितना सच्चाई है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किस पे सर, पेपर कटिंग पे। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि इस पेपर कटिंग के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि रेलवे खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती करेगा, जैसा कि आप सबों को रेलवे के एनुअल कैलेंडर में बताया गया था। आगे कहा जा रहा है कि नई दिल्ली विशेष संवाददाता, भारतीय रेल में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे खाली पदों में साल में 4 बार भर्ती करेगा, यानी कि हर तिमाही प्रक्रिया शुरू करेगा। योजना के तहत 2024 के अंत तक 61,529 पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि योजना के अकॉर्डिंग इस साल के अंत तक जो आपका टोटल वैकेंसी रहने वाला है, यानी कि सभी विभाग मिलाकर के, चाहे वो एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, आरपीएफ कांस्टेबल का हो, या फिर एनटीपीसी का हो, या फिर ग्रुप डी का हो, सब मिलाकर के जो कुल वैकेंसी या आप कह सकते हो कुल रिक्तियां आपको इस वर्ष मिलेगी वो 61,529। कितना? 61,529, इसमें सभी आ जाएंगे। अब आगे कह रहा है कि नए साल में जनवरी दिसंबर के दौरान खाली हुए पदों पर नियुक्ति के लिए पुनः उक्त प्रक्रिया शुरू होगी। ये बात तो रेलवे एग्जाम कैलेंडर में भी कहा गया था। आगे कहा जा रहा है कि इस नियम से हर साल रेलवे में खाली होने वाले पदों को समय पर भरा जा सकेगा। रेलवे सुन ले तब तो, अभी तक एएलपी की एग्जाम का कोई था पता नहीं है और रेलवे एग्जाम कैलेंडर की बात कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि कहा जा रहा है कि पदों को समय पर भरा जा सकेगा और युवाओं को उम्र खत्म होने से पहले नौकरी मिल सकेगी। इनको मालूम ही नहीं है कि कितने युवा की उम्र जो है वो खत्म हो चुके हैं। बोर्ड के दस्तावेज के अनुसार जनवरी मार्च में 2024 में सहायक लोको पायलट के लिए 18,799 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ये तो आपका जो वैकेंसी था वो पहले कितना निकला था एएलपी के लिए 5,696, और उसको बढ़ा करके 18,799 कर दी गई। आगे है कि रेलवे ने अप्रैल जून में 9,144 तकनीकी पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया, जबकि जुलाई सितंबर के दौरान जूनियर इंजीनियर के 7,951 पदों, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 4, 5, 6 में 16,154 और पैरामेडिकल कैटेगरी में 1,376 खाली पदों पर भर्ती का फैसला किया है। मेरे भाई आप सभी ध्यान देना कि यहाँ पे जो आपकी टेक्नीशियन की बहाली थी वो 9,144 अभी रिसेंटली बढ़ी है, तो वो आपका क्या हो गया है सर, 14,000 के समथिंग हो गया। अब इस पेपर कटिंग के सहारे ये कहा जा रहा है कि जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, मतलब बोले तो सर एनटीपीसी की वैकेंसी है, उसमें लेवल 4, 5 और 6 यानी कि ग्रेजुएट लेवल पे जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी, 16,154। तो मेरे मित्र अगर इस पेपर कटिंग पे भरोसा किया जाए तो आप क्या देख रहे हैं कि एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल पर आपका 16,154 रिक्ति है, जबकि मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो एनटीपीसी का कॉन्फिडेंशियल लेटर वायरल हुआ था उसमें जो एनटीपीसी की रिक्तियों की संख्या थी वो कितनी थी, 10,880 के आसपास थी। तो मेरे मित्र यहां पे ये कयास लगाना इस पेपर न्यूज के सहारे कि एनटीपीसी की वैकेंसी एग्जैक्ट आपका इतना ही होगा, ये यहां पे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब ये कहीं से भी छापे हो, लेकिन छाप तो दिए हैं कि 16,154, या में भी हो सकता है कि चूंकि आपकी एएलपी की भी वैकेंसी बढ़ी, टेक्नीशियन की भी वैकेंसी बढ़ी, तो यह संभव है कि आपकी एनटीपीसी की भी जो है वो बढ़ा हुआ वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। अब आगे मेरे मित्र थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि ये न्यूज ये भी कह रहा है कि जो 12 लेवल और ग्रेजुएट लेवल पर परीक्षा होगी वो अलग अलग होगी। कैसे, तो जरा सा गौर फरमाइएगा।
कह रहा है कि सितंबर माह तक अंडर ग्रेजुएट के लिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल टू और थ्री के 3445 पदों पर भर्ती करने की घोषणा कर दी जाएगी। अब सितंबर माह तक मतलब पूरे सितंबर में कभी भी आपको नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल टू और थ्री जो कि 12 लेवल पर होता है उसके लिए 3445 पदों पर भर्ती करने की घोषणा कर दी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कहा जा रहा है कि जुलाई सितंबर के दौरान जूनियर इंजीनियर के 7951 पद, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 4, 5, 6 में 16,154। तो मेरे मित्र आपका जुलाई भी बीत गया, अगस्त भी बीत गया और अब आपका सितंबर आने वाला है और ये कह रहे हैं कि सर जुलाई सितंबर के दौरान जूनियर इंजीनियर और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और पैरामेडिकल में खाली पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है। तो इसका आपका पैरामेडिकल का तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गया, जेई का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल गया, लेकिन मेरे मित्र एनटीपीसी का नोटिफिकेशन अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। और फिर यहां पे जो कहा जा रहा है कि सितंबर माह तक अंडर ग्रेजुएट के लिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल टू और थ्री के 3445 पदों पर भर्ती करने की घोषणा कर दी जाएगी, तो आप ये मान के चल सकते हो कि सर जो पेपर न्यूज में कहा जा रहा है उसके हिसाब से तो ग्रेजुएट लेवल पे अलग बहाली आएगी और लेवल टू आपका जो प्लस टू लेवल पे है उसकी बहाली अलग आएगी। लेकिन मेरे मित्र एनटीपीसी क्या है तो 12 और ग्रेजुएट लेवल अभी तक तो साथ ही लेते आई है, तो कहीं ना कहीं ये पेपर न्यूज आपको भ्रम भी पैदा कर रहा है। जो चीजें आपको यहां पे दी जा रही है उसमें अलग अलग तत्वों को रखा जा रहा है, जुलाई से सितंबर और सितंबर माह तक, तो इसका क्या मतलब हुआ आप भी समझ सकते हैं। आगे है मेरे मित्र कि वहीं अक्टूबर दिसंबर के दौरान रेल मंत्रालय में खाली पदों पर भर्ती करने की घोषणा की जाएगी जो कि आपका ग्रुप डी के रिगार्डिंग है, हालांकि ग्रुप डी की चर्चा नहीं की गई है लेकिन अक्टूबर दिसंबर के दौरान रेल मंत्रालय में खाली पदों पर भर्ती की घोषणा की जाएगी। बोर्ड ने विभाग में तिमाही भर्ती प्रक्रिया में 2 मार्च को आरपीएफ के 4660 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। और मेरे मित्र इसमें आरपीएफ की जो वैकेंसी है उसमें कहीं ना कहीं अग्निवीरों के लिए सर विशेष प्रावधान है, 10% सीट इस 4660 में अग्निवीर के लिए आरक्षित होगा और अग्निवीर को सर उम्र में भी 5 साल की छूट दी जाएगी। तो सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ये जो न्यूज है ये रियल है या फेक है? तो मेरे मित्र मैं आप सबों को कहना चाहूंगा कि यहां पे पेपर न्यूज में जो आपको बातें कही जा रही है उस हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि सर चूंकि वैकेंसी एएलपी वाली भी बढ़ी है, टेक्नीशियन वाली भी बढ़ी है, तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक ये कहना बेवकूफी होगा कि चिल्ला हम लोगों का जो एनटीपीसी का वैकेंसी है वो 19,599 हो गया है, ये कहना सर बेवकूफी होगा। अच्छा अब एनटीपीसी की वैकेंसी आपका 10,880 है, इसके लिए कॉन्फिडेंशियल लेटर था, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं था, कॉन्फिडेंशियल लेटर था जो डिपार्टमेंट के अंदर वायरल हो रहा था। अब यहां पे 19,599 की बात की जा रही है, तो मेरे मित्र जब तक ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाता है तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि एनटीपीसी में लगभग भर्तियों की संख्या कितनी होगी। और साथ में जो एक सभी छात्रों के मन में कंफ्यूजन था कि सर यहां पे जो कहा जा रहा है कि टेक्निक सितंबर माह तक अंडर ग्रेजुएट के लिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल टू और थ्री के 3445 पदों पर भर्ती करने की घोषणा कर दी जाएगी, तो अब यह भी देखना एक जरूरी है कि क्या रेलवे कहीं ना कहीं ये तैयारी तो नहीं कर रही है कि ग्रेजुएट लेवल पे वो अलग एग्जाम ले और एनटी 12 लेवल के लिए अलग वैकेंसी निकाले, क्योंकि इस पेपर कटिंग के हिसाब से दोनों अलग अलग बातें कही जा रही है। तो ये भी देखना पड़ेगा जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। और ऐसे तो मुझे लगता है कि सर एनटीपीसी का जो परीक्षा है उसमें 12 और आपका ग्रेजुएशन लेवल दोनों साथ साथ होता था, तो हमें लगता है कि सर वैकेंसी भी साथ में ही आएगी, लेकिन अगर अलग अलग होती है तो मेरे मित्र फिर आपका जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है उसके लिए अलग फॉर्म डालना होगा और 12 लेवल के लिए आपको अलग फॉर्म डालना होगा अकॉर्डिंग टू दिस पेपर न्यूज, इस पेपर न्यूज के हिसाब से। बाद बाकी सर 19,599 वैकेंसी की कितनी सच्चाई है ये मेरे मित्र आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, और ये आप मान के चल सकते हो कि सितंबर में आपको आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग या आरआरबी एनटीपीसी के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ सूचनाएं जरूर मिल जाएगी।
तो ये एक छोटा सा पेपर कटिंग सबों के बीच में वायरल हो रहा था और कई सारे छात्र अलग अलग मतों पे अपना विचार दे रहे थे और मुझे भी लगातार मैसेज कर रहे थे रात से ही कि गुरुजी, एक छात्र ने कमेंट करा था वीडियो के नीचे भी और व्हाट्सएप पे भी कि गुरुजी रेलवे कितना बार बहाली लेगा। तो भाई मेरे जो पेपर में कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि साल में 4 बार भर्ती करेगा। तो आप सभी रेलवे के एनुअल कैलेंडर से वाकिफ है और जो प्रक्रिया है उससे भी वाकिफ है, कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपके कंफ्यूजन को दूर किया होगा। अभी आप इसकी इस पेपर की बातों को सच्चाई नहीं मानेंगे, इस पेपर की बात को आप सच में एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे क्योंकि बाद में बहुत तकलीफ होगी जब वैकेंसी इतनी नहीं आएगी। जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक मेरे मित्र कुल पदों पर भर्ती की संख्या की बात करना बेवकूफी है। बहरहाल मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।